गजक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी तिल लिए हैं, ये मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं जो मार्केट में आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। एक कटोरी मैंने यहाँ पर ये चीनी ली है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़े से पिस्ते क्रश किए हुए, थोड़े से बादाम क्रश किए हुए, एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ये घी लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम एक चम्मच घी डाल देते हैं और घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। और ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें अपने ये तिल डाल देते हैं और इनको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करते हुए इनको रोस्ट कर लेते हैं। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए बस हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकती हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे और गैस को हम ऑफ कर देते हैं। और हम गैस ऑन करके फिर से एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी चाशनी बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें इसमें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही गाढ़ी चाशनी बनानी है। और इसमें ये चीनी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। और इस प्लेट में मैं इसकी गजक जमाऊंगी तो उसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं, जिससे आसानी से हमारी गजक निकल जाएगी। चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है और इसको हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, चाशनी हमारी बनी है कि नहीं। तो इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा हम चीनी का इस तरह से बैटर लेंगे और आप देख सकती हैं इस तरह से इसका मोटा तार बनना है। हमें बिल्कुल इस तरह की इसकी चाशनी बनानी है। और ये चाशनी हमारी बन गई है और अब हम इसमें ये तिल डाल देते हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इनको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से इसमें लगातार चलाते रहते हैं ताकि थोड़ी सी जमने की कंसिस्टेंसी में हो जाए। और आप देख सकती हैं 2 मिनट में हमारी गजक अच्छे से थिक हो गई है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। जिस प्लेट को मैंने ग्रीस करके रखा है उसमें ये सारा बैटर इसमें हम डाल देते हैं। उस बैटर को हम अच्छे से इसमें फैला देते हैं। मैंने बैटर को अच्छे से इसमें फैला दिया है और अब हम इसमें ऊपर से ये पिस्ते डाल देते हैं और ये बादाम डाल देते हैं ऊपर से और इनको अच्छे से हम इसको दबा देते हैं और इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसके हम पीस कट करेंगे। और ये बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ये गजक बहुत टेस्टी लगती है खाने में, जिस तरह से हम बाजार से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसी ही लगती है ये गजक। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। और अब हम इनके पीस को निकाल लेते हैं। तो चाकू की सहायता से इस तरह से हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। आप देख सकती हैं कितनी आसानी से इसके पीस निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छी गजक बनी है। और इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम बहुत ही आसानी से इसके पीस निकल रहे हैं और बिल्कुल बाजार के जैसी गजक ये बन के तैयार हुई है। देखिए कितने अच्छे इसके पीस निकल रहे हैं। और ये मैंने सारी गजक को एक प्लेट में निकाल लिया है। और आपने देखा इसको बनाना कितना ईजी है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक भी, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।